राहुल गांधी से आपला थोड़ा उधर भी नहीं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर एक नारा लेकर निकला, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इस मुल्क में कुछ नेता लोग भाषा के नाम पर, मज़हब के नाम पर तोड़ के कुर्सी में बैठना चाह रहे हैं। तो जब जब हिंदुस्तान को कुछ तकलीफ आए, तब तब कांग्रेस पार्टी सबके भला के लिए काम करते हैं। महात्मा गांधी जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी शहीद हुए, कुर्बानी दिए इस देश के लिए, उनके ही वारिस राहुल गांधी जी आज के तारीख में नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों मिलकर मज़हब के नाम पे देश को तोड़कर कुर्सी में बैठना चाह रहा है। इसीलिए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नारा लेकर राहुल गांधी जी जो यात्रा किए, इसके कामयाबी आज कर्नाटक में हमें मिले, क्योंकि वहाँ पर कभी जय श्री राम के नाम पर वोट मांगने के लिए निकला, जब जय श्री राम के नाम पर वोट नहीं मिला तो जय बजरंगबली के नाम पर वोट लेने के लिए, कभी हिजाब, कभी और कुछ, ऐसे बातों लेकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उनके कुर्सी में बैठने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज के तारीख में कर्नाटक के जनता कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़कर इस देश को बचाने में कामयाब हुई है। इसीलिए आज मैं सब कर्नाटक के जनता को, मैं उन लोगों को ये कामयाबी के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज देश के लिए एक दिशा दिखाए कर्नाटक के लोग। जो हैदराबाद कर्नाटक का 40 सीट के ऊपर है, मेजॉरिटी सीटों में कांग्रेस पार्टी जीती, इसके अक्सर सरासर तेलंगाना में भी लगेगा। आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी कांग्रेस के सरकार बनेगा, सेक्युलर सरकार बनेगा, हिंदू मुसलमान दो आंखें हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। इसीलिए हम लोग ये सोच रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि इस देश को जोड़ने के लिए हर आदमी कांग्रेस के साथ जोड़ने का ज़रूरी है, वक्त आया। ये कामयाबी आम जनता के कामयाबी, ये कामयाबी में सब लोग शामिल होना है। कांग्रेस पार्टी के साथ रहने के लिए हम लोग आम जनता को हमारा गुजारिश है। कांग्रेस आज ये सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल ये चल रहा है कि जेडीएस बोल रहा है बीजेपी से कोई बातचीत चल रही है उनकी, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी को जिताने के लिए कोशिश किए, जेडीएस को जिताने के लिए केसीआर ने कोशिश किए। इसीलिए आज जो हार है कर्नाटक में मोदी और केसीआर का, क्योंकि ये हंग असेंबली ले आकर जेडीएस को जिता के बीजेपी के साथ जोड़कर सरकार बनाने के लिए केसीआर कोशिश किए, तो कर्नाटक के जनता मुंह तोड़ जवाब दिए केसीआर को। ऐसे हरकत, ऐसे नाटक ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये 8 साल मोदी के साथ जो ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, GST, नोटबंदी, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, जब जब मौका आए तब तब केसीआर ने मोदी को मदद दिए, लोग जानना शुरू किए। इसीलिए केसीआर जो भी बोले कर्नाटक के जनता सुने नहीं, इसीलिए सब लोग मोदी हार, केसीआर हार, कांग्रेस का जीत हो गए। कर्नाटक का जो का हैदराबाद तेलंगाना है, वो अपना ही भाई है, अपना ही परिवार है, अपने परिवार अलग अलग नहीं सोचते। इसीलिए जो कर्नाटक में रिजल्ट आए कांग्रेस पार्टी के राहुल जी के यात्रा में, पहले कदम हिमाचल प्रदेश भी हुए।